अगर आप पहली बार मेरी YouTube चैनल पे आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, जो रेड कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन है उस पे क्लिक कर दो, साथ में ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दो ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ नया आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हो। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम पूजा कुशान शाह। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि न्यू बॉर्न बेबी से लेके एंड की एज तक आपकी बॉडी को एवरी डे प्रतिदिन कितने कैल्शियम की जरूरत होती है वो मैंने आपको बताया था। साथ में मैंने ये भी बताया था कि कैल्शियम हमारी बॉडी में क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऊपर से एक एज के बाद तो कैल्शियम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि मैं अपने इस वीडियो में यानी कि आज के वीडियो में बताऊंगी कि आपके किचन में ही ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे खाकर आप अपनी कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हो, ऊपर से आपकी बॉडी में एवरीडे जितने कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो भी आप वो फूड में से ले सकते हो, बाहर से आपको कोई टैबलेट्स कैल्शियम की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पे आप जब वीडियो ख़त्म होगा तो आपको स्क्रीन पे ही उसका लिंक मिल जाएगा। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट उस तक पहुंच जाओगे। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखना। तो चलो लेट्स स्टार्ट, कैसी कौन सी चीज़ें आपके किचन में जिसे खा के आप एवरीडे अपने कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हो और साथ में आपको एवरीडे जो नीड है वो भी आप उस कैल्शियम की पूरी कर सकते हो। सोयाबीन, एक कप सोयाबीन अगर आप खाते हो तो आपको उसमें से 175 मिलीग्राम आपको कैल्शियम एक कप में से ही मिल जाता है। ऊपर से उसमें प्रोटीन 36 ग्राम होता है जो बहुत ही अच्छा नंबर है दोनों का। तो अगर आप सोयाबीन खाते हो तो आपको कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, साथ में विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन भी बहुत ही अच्छी तरह उसमें मिल जाता है। तो कैल्शियम के साथ साथ आपको और भी न्यूट्रिशन सोयाबीन में मिल जाते हैं और अगर आप इसे डेली भी खाते हो तो ये भी आपको वेट लूज में कोई भी आपको दिक्कत नहीं करेगा, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और वेट लूज भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा प्रोटीन है, साथ में कैल्शियम भी बहुत अच्छा है। सेकंड है लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, जो आपके बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। अगर एक कप भिंडी की सब्जी आपके बच्चे खाते हैं या फिर आप खुद खाते हो तो उसमें से 175 मिलीग्राम कैल्शियम आपको उसी में से मिल जाएगा। साथ में विटामिन ए, सी, B6, मैग्नीशियम और आयरन भी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम में है। तो अगर आप भिंडी की सब्जी एवरी डे भी खाते हो तो भी कोई बात नहीं है, अगर आप डे बाय डे थोड़ा थोड़ा अंतर में भी खाते हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप उसे अपने डाइट में ऐड करते हो तो कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन के साथ साथ आपको वेट लूज में भी हेल्प करेगा क्योंकि उसमें कैलोरीज की मात्रा ना के बराबर है। थर्ड है आलमंड्स यानी कि बादाम। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको आलमंड के बारे में बताया है कि उसकी पौष्टिकता कितनी ज़्यादा है और यहाँ पे 21 ग्राम उसमें प्रोटीन भी होता है। 100 ग्राम बादाम में 21 ग्राम प्रोटीन होता है और 100 ग्राम बादाम में 264 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और ये बहुत ही अच्छा नंबर है दोनों का, प्रोटीन का भी और कैल्शियम का भी। साथ में आलमंड्स में से आपको मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और विटामिन B6 का भी बहुत ही अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है। और अगर आप बादाम की पौष्टिकता को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो आपके लिए या फिर आपके बच्चों के लिए तो आपको क्या करना है, बादाम का जो पाउडर आता है आलमंड का उसको आपको दूध में मिक्स करके अगर आप पीते हो तो उसकी पौष्टिकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ है ऑरेंजेस यानी कि संतरे। वैसे देखा जाए तो संतरे विटामिन सी का एक मुख्य सोर्स है, लेकिन संतरों की वजह से आप अपने बॉडी में से कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हो। अगर आप एवरी डे या फिर जब भी आपका मन करे हाफ कप ऑफ जूस अगर आप ऑरेंज का लेते हो तो उसमें से 50 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिल सकता है। लास्ट है पालक, स्पिनच। पालक में 1 कप पालक में आपको 250 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिल जाता है और ये बहुत ही अच्छा नंबर है। साथ में विटामिन ए, सी, ई, उसके भी साथ में आपको प्रोटीन, हाई फाइबर, आयरन, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें भी पालक में से मिल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से एक ही चीज़ में से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे पालक है, बादाम है, कॉलीफ्लावर है, भिंडी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से एक ही चीज़ में से हमें बहुत सारी हमारी बॉडी की नीड्स को हम पूरा कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आज
आपको ऐसी पांच चीजों के बारे में बताया जो आपको अपने किचन में ही मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे वॉल्यूम में आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा और आप अपनी डेली नीड भी आप उसमें से कवर कर सकते हो। एक बात मैं और बता दूं, जितना बॉडी के लिए कैल्शियम जरूरी है उतना ही उसका अधिक ज्यादा सेवन करना भी बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में जितने आपको नंबर्स बताए थे उसके हिसाब से ही आपको अपनी बॉडी में एवरीडे कैल्शियम को कंज्यूम करना है, उसके हिसाब से ही कैल्शियम युक्त आहार खाना है, क्योंकि अति कोई भी चीज होती है तो वो भी नुकसानकारक होती है, तो ज्यादा कैल्शियम होना भी अच्छी बात नहीं है। तो ये थी मेरी आज की हेल्दी बेनिफिट टिप, ठीक है गाइस, तो इसे प्लीज फॉलो करना फॉर बी हेल्दी और हमेशा हमेशा अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए, कुछ भी हो कभी भी कोई एक्सक्यूज ना करे और एवरीडे अपने शेड्यूल को फॉलो कीजिए, हेल्दी रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी कर सकते हो, और साथ में अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर से सब्सक्राइब का स्क्रीन के नीचे आइकॉन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, ताकि उसके बाद क्या करना है आपको, जो बेल आइकन है उस पर भी आपको क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको मेरे वीडियोस कहीं पे भी ढूंढने नहीं पड़ेंगे। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।